चलिए हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत अच्छा कंपनी आप लोगों के मतलब सामने लाया हूँ। और देखिए बीकेटी कंपनी, जो कि इसमें जो है हेल्पर का भर्ती होते ही रहता है। 10 तारीख को अगर आइएगा तो यहाँ बीकेटी कंपनी में हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर भाई डिप्लोमा का आईटीआई का मतलब आईटीआई को नहीं रखा जाता है। और हेल्पर में आप आइएगा 10th पास 8th पास, तो यहाँ पे हेल्पर में आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे बताया कि हेल्पर का सैलरी यहाँ पे भाई 23,000 प्लस, तो आप हेल्पर में भी लगते हैं तो 23,000 प्लस रहता है। चार पाँच दिन पहले मैं कॉन्ट्रेक्टर को कॉल किया था, तो उन्होंने बताया था आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन किया उसका रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट पे लगिएगा तो 25,000 प्लस ही सैलरी बनने वाला, 25,000 ज़्यादा। अगर हेल्पर हैं तो 25,000, आईटीआई में जाते हैं तो 30,000। अब भाई डिप्लोमा का तो मत ही पूछिए, डिप्लोमा का जल्दी यहाँ रिक्वायरमेंट होता नहीं है, होगा भी नहीं। तो यहाँ पर जो है, चलिए अभी हम घूम रहे हैं ये बीकेटी इंडस्ट्री का ग्राउंड। देखिए भाई, अभी हम लोग बीकेटी के ग्राउंड में घूम रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं बीकेटी में रिक्वायरमेंट। आप लोगों को पता ही होगा बीकेटी में बहुत अच्छा पेमेंट देता है भाई। लगभग आप आईटीआई पे लगते हैं तो 25,000 प्लस हो जाएगा, डिप्लोमा पे लगते हैं तो 30,000 प्लस हो जाएगा, 10th पे लगते हैं तो 20,000 प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग गेट पे चल रहे हैं और पता कर रहे हैं। वैसे कॉन्टैक्ट से तो बात हुआ, आप लोग रिकॉर्ड में भी किए, नहीं तो आगे फिर सुनिएगा कि देखिए आईटीआई का बताया 20,000 चल रही। तो भाई यहाँ पे अब ओटी करके लगभग 25 प्लस आ जाएगा। अभी मैं चल रहा हूँ और कॉन्ट्रेक्टर से बात करता हूँ गेट पे रिक्वायरमेंट का क्या प्रोसेस है। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मनीष इधर देखिए, अभी क्या बताया सिक्योरिटी गार्ड बीकेटी कंपनी में? भाई यहाँ पे कोई काम नहीं है, लोग के लिए डिप्लोमा वाले के लिए कोई काम नहीं है। जो भी काम है वो हेल्पर वाला काम है। हेल्पर वाला काम करोगे 15 से 20 हज़ार रुपया महीना मिलेगा। दिन भर काम करना पड़ेगा, 8 बजे घुसना है फिर 8 बजे शाम को वहाँ से निकलना है। तो भाई अभी हम लोग 15-20 मिनट बात किए सिक्योरिटी गार्ड से बीकेटी कंपनी में। इन्होंने बताया यहाँ डिप्लोमा को लेता ही नहीं है और भाई यहाँ पे बोला हेल्पर का सैलरी 25,000 प्लस रहता है, तो इसलिए डिप्लोमा वाले को लेता नहीं है। अगर आप डिप्लोमा पे, आज से लगभग 2 या 3 दिन पहले मैं कॉन्ट्रेक्टर से बात किया था, उन्होंने बताया था आईटीआई पे रिक्वायरमेंट है। अगर आप आईटीआई पे लगते तो यहाँ पे लगभग 25-30 हज़ार सैलरी चल जाता डिप्लोमा का, कभी कभी आता है। अगर आप हेल्पर पे भी, हेल्पर में बीकेटी में लगना चाहते हैं तो भाई यहीं देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहीं बीकेटी कंपनी है। अगर हेल्पर में यहाँ लगना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड कब बताया ज्वाइनिंग डेट? ज्वाइनिंग 10 के बाद होता है, 10। तो भाई आप अगर 10 तारीख के बाद आते हैं तो आपको इस बीकेटी कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगा हेल्पर। वहीं 8th से लेके 10th 12th आते हैं तो भाई आप लोग सैलरी यहां का मत ही पूछिए। आप लोगों को पता ही होगा बीकेटी कंपनी जो कि टायर बनाती है कंपनी, और जो है इसमें सैलरी का तो मत ही पूछिए। सैलरी भाई इसमें जो है मतलब 25,000 बताया हेल्पर का, 8वां भी लगते हैं तो 25,000 सैलरी रहेगा, लेकिन वही वर्क थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, वर्क हार्ड है। तो भाई मैं कहता हूँ कंपनी में कोई हार्ड वर्क नहीं रहता है, वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है। कोई भी कंपनी में हार्ड वर्क है कोई इंसान ही करता है। अगर आप लोग सैलरी अच्छा खासा चाहते हैं तो आप लोग बीकेटी कंपनी आइए। देखिए ये बीकेटी का ग्राउंड बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा बीकेटी का ग्राउंड है। हम और मनीष भाई आए हैं बीकेटी कंपनी। तो भाई मैं ये बता रहा था कि अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों के लिए मैं अच्छा खासा भाई बहुत अच्छा सैलरी वाले कंपनी लेके आया हूँ। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बीकेटी कंपनी का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ और बीकेटी कंपनी का ग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है। अभी मैं वहाँ पे गया, सिक्योरिटी गार्ड से बात किया तो बताया कि हेल्पर 8th पास हैं, 8th पास 10th पास 12th का सैलरी यहाँ पे 25,000 प्लस बन जाएगा। अगर यहाँ पे भाई आप ज्वाइनिंग के लिए आते हैं तो ज्वाइनिंग वर्तमान में अभी नहीं है, फिलहाल भर्ती नहीं चल रहा है, लेकिन 10th को आप आइएगा, 10 तारीख को आप आइएगा तो यहाँ पर भर्ती हो जाएगा। और आईटीआई डिप्लोमा का कभी कभी आता है, आईटीआई डिप्लोमा पर लगते हैं तो भाई 30,000 प्लस सैलरी बन जाएगी। तो अभी मैं यहाँ चौपांकी में हूँ और यहाँ पे भाई बहुत सारे इंडस्ट्री है। अब जो भी इंडस्ट्री में आइएगा, जो भी कंपनी गेट पे जाइएगा, सभी कंपनी में रिक्वायरमेंट रहता है, जो भी कंपनी जाइएगा। लेकिन वही है भाई, यहाँ पे बस हेल्पर का रिक्वायरमेंट रहता है, डिप्लोमा आईटीआई का कोई मायने नहीं। यहाँ पे अगर 10वां पास 8वां पास अनपढ़ भी चलेगा, कोई भी आओ यहाँ पे लग जाओ। और जो है भाई पेमेंट यहाँ पे हेल्पर में लगिए, 10th पास है 12th पास है अनपढ़ भी है, सबको हेल्पर में रखेगा। और हेल्पर का सैलरी आप लोगों को बता दूं 8 घंटे का भाई, यहाँ पे जो है लगभग में जो भी कंपनी है सब में 12 घंटे चलती है। 12 घंटे का सैलरी किसी कंपनी में 10,000, किसी में 12,000, किसी में 14,000, उससे ज़्यादा किसी कंपनी मुझे बात नहीं हुआ। यहाँ पे एक ही अच्छा कंपनी है, एक दो अच्छा कंपनी है, जैसे श्रीराम पिस्टन, एक दारू कंपनी था, जहाँ पे आप 8 घंटे में 10 से 12 हज़ार सैलरी ले सकते हैं। और वैसा अच्छा कंपनी
कहीं नहीं मिला। और कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पे भाई बहुत गड़बड़, पैसा आपका फंसा ही देगा, 10 दिन का पैसा फंसा ही देगा, पैसा देगा नहीं। बीकेटी इंडस्ट्री एरिया भाई, अभी मैं फिलहाल आया था और यहाँ पे देखिए बीकेटी कंपनी में अगर आप लगते हैं तो हेल्पर 8th पास 10th पास का सैलरी भाई 25,000 प्लस हो जाएगा। तो आप लोग आइए, अगर 10 तारीख के बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमेशा चलते रहता है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या कम्युनिटी में कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग बात कर लीजिए। और हेल्पर का जॉब करना है, अगर काम अच्छा करना है तो यहाँ आइए, और पेमेंट अच्छा उठाना है तो भाई यहाँ आइए, बहुत अच्छा कंपनी है। और आगे कुछ दिन के बाद यहाँ पे भाई डबल भी बोनस मिलता है, 3 महीना का डबल बोनस मिलता है। तो यहाँ बहुत अच्छा पेमेंट बीकेटी कंपनी में मिलता है। चलिए मैं मिलता हूँ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।